90 सेकंड में शॉर्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखना है, चलिए सिखाता हूं। तो सबसे पहला एमएसडी ना, जब भी जीरो से लाइन दोनों लाइन नीचे होगा और ब्लैक लाइन रेड लाइन को कट कर रही होगी ऊपर की तरफ, तो आपको बाइंग करना है। रेड लाइन नीचे से ब्लैक लाइन को ऊपर की तरफ कट कर रही होगी तब आपको सेलिंग करना है। दूसरा है मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर्स, इसमें आपको दो तीन मूविंग एवरेजेस ऐड करने, जैसे जैसे 10 क्रॉस कर रहा है 20 को, फिर क्रॉस कर रहा है 50 को, तो यहां से जैसे ये तीनों मूविंग एवरेज एक साथ क्रॉस होंगे वहां पर आपको बाइंग की एंट्री लेनी है, और यही जो आपको नीचे की तरफ क्रॉस ओवर दे रहा है तो आपको सेलिंग एंट्री लेनी है। थर्ड इंडिकेटर है बॉलिंजर बैंड, इसमें अपर मिडिल एंड लोअर बैंड होते हैं। अपर बैंड में अगर आपको रेड कैंडल दिख रहा है तो वहां पर आपको सेलिंग एंट्री लेनी है, उसके बाद मिडिल बैंड तक आपको 50% बुक कर लेना है, लोअर बैंड तक आपको 100%। सिमिलरली अगर आपको लोअर बैंड में ग्रीन कैंडल दिख रहा है वहां पर आपको बाइंग करनी है। फोर्थ इंडिकेटर है आपका पिवट पॉइंट, पिवट पॉइंट्स पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, आपको यहां पर सेलिंग एंट्री सेट रेजिस्टेंस पे सेलिंग एंट्री लेनी है एंड सपोर्ट पे बाइंग एंट्री लेनी है। सो फिफ्थ इंडिकेटर है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, आपको पिछले दिन के हाई और लो को मार्क कर लेना, उसके बाद जो लेवल्स आएंगे जैसे 50 और 61% इंपॉर्टेंट लेवल होता है, 50% के ऊपर अगर बाइंग एंट्री ग्रीन कैंडल दिख रहा है तो वहां पर आप बाई करोगे, और वहां पर आपको रेड कैंडल दिख रहा है तो वहां पर आप सेलिंग करोगे। सिक्स इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड, ये बहुत ईजी है, आपको अगर रेड एरो दिख रहा है तो वहां पर आपको सेलिंग एंट्री लेनी है और ये आपका स्टॉप लॉस होगा, और अगर आपको ग्रीन एरो दिख रहा है तो वहां पर आपको बाइंग एंट्री लेनी है। और सेवन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है आरएसआई की ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड रीजन, अगर मान लो यहां पर आपको 80 से ऊपर यहां पर टच कर रहा है तो वहां पर आपको सेलिंग एंट्री लेनी है, और सिमिलरली 20 के आसपास अगर आपको टच कर रहा है तो वहां पर आपको बाइंग एंट्री लेनी है। और ये सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बिना प्राइस एक्शन के कोई काम की नहीं है। टैग करो अपने ट्रेडर दोस्त के साथ जो सिर्फ इंडिकेटर पर ट्रेड करते हैं। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी नाउ, टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग।